अमेरिका के हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा हवाई अड्डे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री के पास हथियार मिला और उससे फायर हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, यात्री इधर उधर भागने लगे। इस दौरान धक्का मुक्की में 3 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक हवाई अड्डे पर एक शख्स हथियार छुपाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो बंदूक निकालकर भागने लगा और इस दौरान फायर हो गई और उसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक बंदूक का मालिक हवाई अड्डे से भाग गया, हालांकि एयरपोर्ट एजेंसी के पास उसकी सारी जानकारी है। परिवहन सुरक्षा प्रशासन के मुताबिक 42 साल के बंदूक मालिक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। हवाई अड्डे ने ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि घटना के करीब 2 घंटे बाद अधिकारियों ने उड़ानों को पूरी तरह से बहाल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।